अधिकारी पहुंच गए हैं या नहीं। आप जैसे कि कर ले, नाम नोट करके आपको रिपोर्ट कर दे और उसके बाद फिर एक घंटे बाद आप भी निकल जाइए 11:30 बजे से। उसी दिन वेतन काटेंगे, उस पर कार्रवाई होगी और यदि कोई भी एब्सेंट पाए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिविल तो आपका कोई डॉक्टर ही नहीं है, इस तरह का कोई भी रिपोर्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत लोग भांग वगैरह पी लेते हैं, एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है उस दिन, तो उससे हमारा बहुत सारे समस्या का निदान हो जाएगा। तो 3 दिन जब तक अभी होली हो ना जाए प्रतिदिन रात छापा मारना शुरू कीजिए, मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। यदि उसका प्लानिंग है तो SDO साहब भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, प्लानिंग कर लें, प्लानिंग करके छापा वगैरह मारिए। तो और तो बाकी कोई बाकी सब कुछ कवर कर दिया गया है और होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड, अच्छे से सब ये समारोह भी हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गया जिसमें पूरे भोजपुर के जिला पुलिस अधिकारी और तमाम अधिकारी मौजूद थे, किस लिए बैठे थे? जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भोजपुर के स्तर पर संयुक्त लिस्ट जारी किया गया है ताकि होली के शुभ अवसर पर जिले में अमन चैन और शांति व्यवस्था बनी रहे तथा विधि व्यवस्था संधारित रहे। इसे सफल बनाने के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग कृषि भवन सभागार में की गई तथा सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अफवाह फैलाने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले, सामाजिक तनाव पैदा करने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपने सुनिश्चित स्थलों पर पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है ताकि जिले में होली के शुभ अवसर पर किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग न हो और विधि व्यवस्था पूर्ण रूप से संधारित रहे। कुल कितने दंडाधिकारी का नियुक्ति किया गया? होली के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था संधारण के हेतु 134 दंडाधिकारी और 134 पुलिस पदाधिकारी के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।